गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप सब अच्छे होंगे आप लोग। हम भी अच्छे हैं। तो चलिए बनाते हैं आज गोट ब्लड फ्राई। तो लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए बना के ट्राई करते हैं कैसा लगता है। फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ और आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, तो कंटिन्यू मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। तो देखिए, गोट फ्राई को हम लोग पानी में उबाल लिए थे 5 से 6 मिनट। क्या उसको बोलते हैं, फुल आँच में आप इसको उबालिए 5 से 6 मिनट। उसके बाद इस तरह इसको निकाल लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग पीसेस में कट कर लेंगे। जब उबल जाता है तो बहुत आसानी से ये कट हो जाता है। छोटा बड़ा साइजेज आप पीसेस अपना मर्जी से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पीसेस में कट करिए। उसके बाद में कढ़ाई चढ़ाएंगे। ये देखिए, सारा हम लोग कट कर लिए हैं। तो फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही थी, खाने में बहुत टेस्टी ही लगा ये। तो यदि आप लोग को पसंद आता है तो मेरा वीडियो को शेयर करिएगा लोगों के साथ में, और अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। क्योंकि जब घर में बकरा कटता है तो बहुत सारे खून हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता कैसे बनता है ये। तो आप लोग देखिए मेरे वीडियो को और घर में भी बनाइए आप लोग गोट ब्लड फ्राई। तो देखिए, हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिए थे, कढ़ाई में डाल दिए थे तेल। तेल में डाले लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची। इन सबको रेड होने तक हम लोग भूनेंगे। और जीरा डालना हम भूल गए थे पहले, तो थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम लोग इसमें, और थोड़ा सा सरसों डालेंगे। अच्छे से जब चटक जाएगा उसके बाद में हम उसमें फिर सरसों हम लोग डालेंगे थोड़ा सा, और जीरा और सरसों को थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद में हम लोग उबाल के रखे हैं गोट ब्लड, वो डालेंगे इसमें। तो थोड़ा स्पाइसी ज़रूरी है इसमें, तो थोड़ा मिर्ची ज़्यादा करके डालें। थोड़ा स्पाइसी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए, प्याज मेरा अच्छे से भून गया था, रेड होने तक भूनना है। तो जो हम लोग उबाल के रखे हैं वो हम लोग डाल दिए हैं इसमें, और अच्छे से धीमी धीमी आँच पे हम लोग 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, और थोड़ा सा मसाला भी ऐड करेंगे इसमें हम लोग। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। उसके बाद ये भून चुका है हम लोगों का, उसके बाद खाने के लिए फटाफट तैयार हो गया है। तो अपने घर पे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से फटाफट बनने वाला रेसिपी है।